भाई आज मेरी गाड़ी ट्यूबी 300 का मैंने कल काम करने के लिए रोकी थी इसे। कस्टमर के पास एक चाबी सादा थी और जो उसकी रिमोट वाली चाबी थी इनसे खो गई, गुम हो गई थी। तो ये मेरे पास आए और आने के बाद इन पर सादा थी चाबी, तो ये रिमोट वाली चाबी बनवाना चाहते थे इस टाइप की। मैंने इस गाड़ी को इनसे पकड़ ली काम करने के लिए और उसके बाद मैंने अपना एक्सपर्ट टू से इसका काम वर्क करना चाहा। वर्क करने चाहने के बाद मैंने इसमें 47 का ट्रांसमीटर होता है इसके अंदर, जो बिलेरो में भी आता है और ट्यूबी और KUV 300 में सब में सेम ही होता है। तो मैंने इसका जब काम करा उसके बाद मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, जब मैं गाड़ी की प्रोग्रामिंग कर रहा था तो यहाँ इसकी चेक लाइट ब्लिंक करने लगी, जैसे कि आप फ्रेंड्स देख रहे हो इस टाइप से। ये चेक लाइट और आपकी लॉक की लाइट ब्लिंक कर रही थी। तो उसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि गाड़ी ये लॉक हो गई, इसका इंजन बिल्कुल लॉक हो चुका था। और तकरीबन 2 बजे ही मेरे पास आए थे दोपहर में और मुझे इसमें लगे लगे 9 बज गए रात के। आखिरकार कस्टमर को मैंने यहीं रोका और आज सुबह मैंने इसका काम करा। तो भाई मैं सभी भाइयों से, चाबी वालों से और जो स्कैनिंग वाले जो की का काम करते हैं यही कहना चाहूँगा, अगर इन गाड़ियों के अंदर एक चाबी कस्टमर की है तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप दूसरी चाबी ना बनाएं। इसके अंदर इतनी भारी प्रॉब्लम आती है कि आप परेशानी में हो जाओगे। गाड़ी की ओरिजिनल चाबी भी स्टार्ट नहीं होती गाड़ी, ये जो ओरिजिनल चाबी है अगर आप अपनी चाबी इससे करोगे कोडिंग तो आपकी इस चाबी से भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी ओरिजिनल से भी, और बहुत भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। बाजे टाइम तो बड़ी परेशानी हो जाती है, गाड़ी एक हफ्ते भी खड़ी रहती है इस प्रॉब्लम के अंदर। तो आज मैंने इन भाई को बुलाया और एक बात और बताता हूँ जानकारी के लिए, जो इसका ट्रांसपोंडर ओरिजिनल था उसे मैंने जब कोडिंग करा तो उसके बाद इसकी भी प्रोग्रामिंग करप्ट हो गई, मतलब ये भी प्रोग्राम नहीं हो पा रहा था और गाड़ी हमारी लॉक हो गई थी, सेफ मोड में चली गई थी जबकि ना स्टार्ट हो रही थी ना सेल्फ ले रही थी। तो मैंने आज TUV 300 का ट्रांसपोंडर नया दिल्ली से मंगाया है सुबह ही, रात मैंने कोरियर कराया था, रात मैंने फ़ोन करा था तो सुबह आया है मेरे पास। तो मैंने इस चाबी के अंदर वो TUV 300 का ट्रांसपोंडर लगाया है, उसके बाद मैंने अपने एक्सपर्ट टू से इसे प्रोग्राम करा है। प्रोग्राम करने के बाद इसका DTC क्लियर करके और गाड़ी को मैंने आज स्टार्ट कर दिए, जिससे कि भाई परेशानी तो मुझे बहुत हुई लेकिन गाड़ी मेरी एक चाबी से स्टार्ट हो गई, दूसरी चाबी अभी भी मेरी स्टार्ट नहीं कर पाएगी गाड़ी, क्योंकि इसमें महिंद्रा में एक स्पेशल फंक्शन दिया है, जो चाबी आपकी कंपनी दो देती है सिर्फ वही कामयाब है। अगर आप आफ्टर मार्केट दूसरी चाबी प्रोग्राम कराएंगे तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ जो मैंने न्यू ट्रांसपोंडर लगाया है, ये देखो। ये हमारी इंजन की लाइट आ गई, सारी लाइटें मीटर पर आ गई और हमारी सारी लाइटें चली गई और हमारी इग्निशन की लाइट आ गई। अभी मैं सेल्फ मारता हूँ, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप अगर एक चाबी कस्टमर पे है तो दूसरी चाबी प्रोग्राम ना करें, वरना बहुत ज़्यादा समस्या का सामना कर सकता है, जैसा मुझे कल से मैं परेशान था। इसी वजह से अगर लॉस्ट केस है तो उसमें हाथ डालें, और एक चाबी कस्टमर पे है और एक और बनवाना चाहता है तो बिल्कुल ना छुएं, वरना आप दिक्कत में आ सकते हो बहुत ज़्यादा। थैंक यू वॉचिंग।